हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुन्नी टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्यथा नहीं करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है जो संभागीय व्यवस्था है, उसके बारे में हम ट्रिक के माध्यम से जितने ज़िले हैं, कौन कौन से, कितने ज़िले कौन से संभाग में हैं, तो उन सभी के बारे में आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, तो नॉर्मल जितनी आधार बेस जो संभागीय व्यवस्था में है उनके बारे में मोटा मोटा जान लेते हैं कि संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 से शुरू हुई थी। दोस्तों, कब? 30 मार्च 1949 से स्टार्ट हुई थी ये। दोस्तों, उस समय राज्य में ओनली 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर थी। दोस्तों, इनको याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा। और इसका जो अंतिम ज़िला बना था वो एक नंबर 1956 को बना था दोस्तों, अजमेर, ठीक है। और जब जो 24 अप्रैल था, 24 अप्रैल, मैं बताऊँ आपको कि 24 अप्रैल 1962 में क्या हुआ था दोस्तों, जो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, 1962, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी जो सीएम थे उस समय, तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था दोस्तों। 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को दोस्तों बंद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों, जो 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी नाम के जो सीएम बने थे, तो उन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या किया था दोस्तों, वापस लागू कर दिया था 26 जनवरी 1987 को। तो याद रखना दोस्तों, जो 24 अप्रैल 1962 को तो मोहनलाल जी सुखाड़िया ने इसे बंद कर दिया था संभागीय व्यवस्था को, और 26 जनवरी 1987 को ये वापस से, जो हरिदेव जोशी वापस से स्टार्ट कर दिए थे संभागीय व्यवस्था को। तो दोस्तों, अब हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन से ज़िले या कौन कौन से संभाग हैं। तो वर्तमान में दोस्तों 7 संभाग हैं। कौन कौन से हैं उसकी हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान सी है। तो याद रखना दोस्तों कि 7 संभाग की ट्रिक हो गई, उदय आज जो बिका, यानी कोई कुछ भी बेच रहा है उसमें क्या है कि उसमें बोल रहे हैं कि उदय आज जो बिका उसे कोर्ट में भर दे। आसान है कि उदय आज जो बिका है उसे कोर्ट में भर देना। तो उदय से याद रखना उदयपुर, आज से दोस्तों आज तो अजमेर, जो से याद रखना दोस्तों जोधपुर, और जो इसमें लास्ट में जय है उसका याद रखना दोस्तों जयपुर। तो आज पूरे आज से तो हो जाएगा अजमेर, और लास्ट में जो जय है उसका हो जाएगा जयपुर। जो से हो गया जोधपुर, बिका से हो गया दोस्तों बीकानेर, उसे को छोड़ देना दोस्तों। कोट से हो जाएगा दोस्तों कोटा, और में से कोई नहीं है, भर से है तो भरतपुर हो जाएगा। हो गए कंप्लीट। तो ये हो गए दोस्तों 7 संभाग। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन से संभाग में कितने ज़िले हैं। तो आसान सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो उदयपुर संभाग है उसमें दोस्तों 6 जिले हैं। याद रखना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि उदयपुर संभाग में कितने ज़िले हैं, तो कितने ज़िले हैं? 6 जिले हैं दोस्तों। याद रखना, प्रताप व उदय डूबा रांची में। प्रताप और उदय क्या है कि नहा रहे थे रांची में, रांची नदी में, तो वो क्या है, डूब गए हैं। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों कि प्रताप व उदय डूबा रांची में। तो प्रताप से प्रतापगढ़, उदय से दोस्तों उदयपुर हो जाएगा, डूबा से हो जाएगा डूंगरपुर, और रांची हो जाएगा राजसमंद, और ची से हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़। और इसको दोस्तों मेवाड़ का क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेवाड़ का क्षेत्र। तो उदयपुर में 6 जिले हो गए। तो ये हो गए दोस्तों उदयपुर की ट्रिक। अजमेर की दोस्तों, अजमेर में संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। अजमेर हो गया, भीलवाड़ा है, और नागौर है, और टोंक है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है, आज भी ना टोको या आज भी ना टोक। आसान है कि आज भी ना टोकना कोई, या आज भी टोका तो काम नहीं होगा। तो आज से याद रखना अजमेर, बी से याद रखना दोस्तों भीलवाड़ा, ना से याद रखना दोस्तों नागौर, और टोंक से याद रखना दोस्तों, टोंक से याद रखना टोंक। हो गई आसान ट्रिक है। तो अब अजमेर के बाद में दोस्तों नेक्स्ट है अपनी जयपुर संभाग की, कि जयपुर संभाग में कौन कौन से 5 जिले आते हैं। याद रखना कि जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? लवर सीकर जाए, 2 झुंझुनी लाना। कोई आदमी है, उसका लवर है, उसे बोल रहा है कि लवर सीकर जाए,
दो झुंझुनी लाना। आसान है कि लवर जाए शिखर जाए दो झुंझुनी लाना, तो लवर से हो जाएगा दोस्तों अलवर, क्योंकि लवर एक ही जिले के नाम के पीछे है अलवर में। शिखर से याद रखना दोस्तों शिखर, जाय से याद रखना दोस्तों जयपुर, दो से याद रखना दोस्तों दोसा, और झुंझुनी से याद रखना झुंझुनू। हो गए पांच जिले ये जयपुर संभाग के। जोधपुर संभाग के दोस्तों, जोधपुर संभाग में कौन कौन से आ जाए, जोधपुर संभाग में जैसलमेर आता है, जालौर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। इसको कैसे याद करें, जोधा जैसे जा वापस, आसान है कि जोधा जैसे जा वापस, ठीक है। तो एक तो खुद जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। छह जिले हैं इसमें, जोधपुर, जोध से जोधपुर, जैसे से जैसलमेर, जा से जालौर, बा से बाड़मेर, प से पाली और स से सिरोही। आसान है, हो गई कंप्लीट। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है अपना कोटा संभाग। तो कोटा संभाग में कौन कौन से हैं, कोई है बाबू है, तो बाबू कोटा को झाला दे, बाबू कोटा को झाला दे, आसान है। तो इसको याद करने की बात से हो जाएगा दोस्तों बारह, बू से याद हो जाएगा दोस्तों बूंदी, कोटा से याद रखना दोस्तों कोटा, को याद रखना दोस्तों को किसी से याद रखने नहीं रखना, झाला से याद रखना दोस्तों झालावाड़। तो इसको एक ट्रिक और है दोस्तों, अगर इसको ये लंबी लगे आपको तो एक ट्रिक याद रखना, बाबू को झाला, बाबू को झाला, ये भी याद रख लेना, बाबू को झाला दो, तो बाबू को झाला दो तो बाबू से बारह हो जाएगा, बू से हो जाएगा दोस्तों बूंदी, का को से याद रखना दोस्तों कोटा, झाला से याद रखना दोस्तों झालावाड़। आसान हो गई, ऐसे अगर ये याद रख सकते हो तो ये याद रख लेना, नहीं तो बाबू को झाला दो, ये भी याद रख सकते हो। हो गई दोस्तों बीकानेर संभाग में, बीकानेर संभाग में दोस्तों कितने ज़िले हैं, चार ज़िले हैं। कौन कौन से हैं, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। तो चूहा बीघा गंगा में, या चूहा गंगा में बीघा, आसान है कि बीकानेर, अरे करणी देवी कहाँ पे है, माता का मंदिर, चूहों की देवी कहाँ पे है, वो मंदिर चूहों का मंदिर है बीकानेर में। तो चूहा से चूहा याद रख लेना कि बीकानेर में चूहे हैं। तो बीकानेर संभाग में चार जिले आते हैं, कौन सा कि चूहा बीघा गंगा में, या चूहा गंगा में बीघा। तो इससे याद रखना, चूहा से चूरू हो जाएगा, गंगा से हो जाएगा गंगानगर, हाथ से हो जाएगा हनुमानगढ़, बीघस बी से हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। इसकी एक ट्रिक और है दोस्तों, ये ट्रिक अगर जटिल लगे तो इसकी ट्रिक नीचे है कि चूहा बीघा, इससे याद रखना चाहो तो इससे रख लेना कि चूहा बीघा। इसमें हो जाएगा दोस्तों चूहा से चू से हो जाएगा चूहा, हाथ से हो जाएगा दोस्तों हनुमानगढ़, बी से हो जाएगा दोस्तों बीकानेर, और गा से हो जाएगा दोस्तों गंगानगर। इससे याद रख सकते हो तो इससे रख लेना, नहीं तो इससे याद रख लेना, चूहा गंगा में बीघा या चूहा गंगा बीघा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अपना लास्ट जो बच गया, भरतपुर संभाग। उसकी ट्रिक क्या है, भरतपुर संभाग में आसान सी ट्रिक है कि सवा दो करोड़ भर, कितने भर, सवा दो करोड़ भर दे, ऐसे बोल रहा है कोई आदमी कि सवा दो करोड़ भर दे। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, सवा से याद रखना सवाई माधोपुर, दो से याद रखना धौलपुर, करोड़ से याद रखना करौली, और भर से याद रखना दोस्तों भरतपुर। हो गया आसान ट्रिक। तो ये है दोस्तों जितने संभाग हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा दिया है, पूरा क्लियर हो गया है दोस्तों ट्रिक। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों, रुकना मना है। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।